हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आपको टेंसेस बनाने सिखाए, उनके ट्रांसलेशन सिखाए, और बिल्कुल जीरो लेवल से कह सकते हैं आप, बिल्कुल नीचे के लेवल से हम लोगों ने उसको बहुत तरीके से सिखाया, जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है वो भी उसको कर पाए। देखिए, आज हम लोग पास्ट टेंस के लेंगे सेंटेंसेस सिंपल में। उससे पहले मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैं आपको अभी बोल के बता देता हूं, जिससे आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, आपको केवल लिखना या ट्रांसलेट करना ही नहीं है, आपको बोल बोल के प्रैक्टिस भी करना है मिरर के सामने, जिससे जो भी कुछ आप बोलेंगे वो आपके यहाँ पे, ये जो माइंड होता है ना, बेसिकली ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, जैसे मोबाइल की मेमोरी होती है, उस तरह से हार्ड डिस्क है हमारी। जो आप बोलेंगे वो हार्ड डिस्क के जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसमें सेव होता रहता है। जब वो सेव होता रहता है, उसके बाद आप जब भी मेमोराइज करेंगे, जब भी आप बोलने की कोशिश करेंगे, वो सारे सेंटेंसेस आपके निकल के आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो यही किसी भी लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस भी होता है एक्चुअली। तो मैं अभी आपको कुछ और सेंटेंसेस भी बता रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल के। देखिए, ये सेंटेंसेस इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे दिल्ली इज अ बिग सिटी, यू आर इन द रूम, दिस इज माय स्कूल, आई एम इन द क्लास, आई एम इन 10th क्लास, शी इज माय क्लास टीचर, माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर शर्मा, दिस टेबल इज बिग, माय डॉग इज ब्लैक, हिज फादर इज अ पुलिस ऑफिसर, आई एम सिक टुडे, योर हाउस इज वेरी बिग, शॉप इज ओपन टुडे, कीज आर ऑन द टेबल, वी आर गुड फ्रेंड्स, या ऐसे भी हो सकता है वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स, दिस बैग इज हैवी, आई एम इन ऑफिस, जयपुर इज वेरी हॉट, ही इज अ टैक्सी ड्राइवर, टीवी इज ऑन, मोबाइल इज ऑफ, यू आर अ फूल, जयपुर इज कैपिटल, माई ड्रेस इज वाइट, दिस बुक इज गुड, ही इज इनोसेंट, सोनिया इज ऑनेस्ट, दिस बाइक इज माइन, यू लुक गुड। देखिए, ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए कुछ और प्रिपेयर किए हैं। तो इन सेंटेंसेस को भी आप लोग रिवाइज करके मिरर के सामने कम्युनिकेट कीजिए, बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग आपको पास्ट सिंपल के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताने जा रहे हैं। देखिए गाइस, आज हम लोग पास्ट सिंपल सेंटेंसेस पे डिस्कस करेंगे। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस जैसे हमने प्रेजेंट बनाए थे, बिल्कुल सेम तरीके से ही पास्ट बनेंगे, बस डिफरेंस ये रहेगा। देखिए, वहां पे आई के साथ एम आता था, यहां पे आई, वी, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इस सब के साथ वाज आएगा पास्ट में, है ना। जैसे आई के साथ भी वाज आएगा, ही के साथ भी वाज आएगा, शी के साथ भी वाज आएगा, इट और सिंगुलर नाउन सबके साथ वाज आएगा, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन इनके साथ आएगा वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, देखिए, वह मेरी वाइफ थी। जैसे थोड़े टाइम पहले कोई लेडी आई और मिलके चली गई या बात करके चली गई, तो फिर किसी ने पूछा कि वह कौन थी, है ना, तो हम जवाब देते हैं उसका कि वह मेरी वाइफ थी। तो देखिए, ये सेंटेंस है, वह मेरी वाइफ थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, है ना, तो वाइफ मतलब लेडी के लिए आ रहा है, तो वाइफ, तो यहां पर यह सब्जेक्ट हो गया वह, राइट। अब देखिए, मेरी वाइफ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा था। अब थी जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, ये हिंदी का सेंटेंस इस तरह से बना है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, देखिए इसकी अंग्रेजी बनाए तो वह के लिए यहां पे शी आएगा, क्योंकि लेडी, मेरी वाइफ से पता चल रहा है कि ये लेडी है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है, शी आता है वह के लिए, तो हमने यहां पे वह की अंग्रेजी बनाई शी। ठीक है, तो देखिए शी वाज, क्योंकि देखिए मैंने यहां पे बताया आपको आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा वाज, तो इसलिए शी के साथ क्या आया हेल्पिंग वर्ब वाज, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट पूरा कौन सा है, पूरा ऑब्जेक्ट है मेरी वाइफ, तो ये हम लोगों ने लिया माय वाइफ, शी वाज माय वाइफ, ये पूरा सेंटेंस बन गया। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है कि जैसे मान लिया ये होता वह मेरी वाइफ नहीं थी, यहां पे अगर हम इसको नहीं ले लें, तो बिल्कुल सेम जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा था, ऑब्जेक्ट के पहले She was not my wife, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से पहले नॉट ले जाएगा, She was not my wife।
आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्लियरली। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके पास्ट के और बाकी के सेंटेंसेस यहां पर भी बनाएंगे। देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने कुछ सेंटेंस लिए हैं पास्ट सिंपल में। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, वह बुद्धिमान था, राइट। तो देखिए इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे, वह के लिए बुद्धिमान था। था से पता चल रहा है कि जो वह है वो किसके लिए यूज हुआ है। देखिए इस था से पता चल रहा है कि जो ये वह यहां पे है ये किसके लिए यूज हुआ है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए। था से पता चल रहा है कि वो मेल के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहां पे सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा यहां पे ही, राइट। अब देखिए ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज। राइट, ही वाज। अब क्या रह गया, अब केवल ऑब्जेक्टिव रह गया, ऑब्जेक्ट रह गया। देखिए ही वह की अंग्रेजी आ गई यहां पे, ही वाज आ गया हेल्पिंग वर्ब, केवल बुद्धिमान की अंग्रेजी आ गई। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटेलिजेंट। क्लियर, सिंपल है ना। देखिए अब नेक्स्ट, पंखा चालू था, चालू का मतलब ऑन, मतलब पंखा चल रहा था, नहीं रहा था नहीं आएगा। देखिए इसमें पंखा चालू था, अगर रहा था कर देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पंखा चालू था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आएगा फैन, ठीक है। फैन क्या है, सिंगुलर हो गया, पंखा एक वचन हो गया, फैन के साथ क्या आएगा, वाज। चालू, चालू की अंग्रेजी यहां पर क्या आएगी, ऑन। ऑन और ऑफ होता है ना, बंद होगा तो ऑफ और चालू होगा तो ऑन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, वह एक स्टूडेंट था। अब सेम पहले सेंटेंस की तरह से इसमें भी आप देखिए, इसमें लास्ट में था आया है, वहां पे वह आया है, तो इसका मतलब ये मेल के लिए यूज हुआ है, मैस्कुलिन के लिए यूज हुआ है ना। तो हम लोग यहां पर लगाएंगे ही, और ही के साथ क्या आता है, एज यूजुअल वाज, है ना। एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ही वाज ए स्टूडेंट। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा सा सेंटेंस आपको, आप में से जो लोग ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे होंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होंगे, उनके लिए ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बहुत ठंड थी, बताइए इसकी अंग्रेजी क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तुओं के लिए और मौसम के लिए हमेशा इट का यूज होता है ना, तो यहां पे इट का यूज होगा, इट है ना। और ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज। इट वाज बहुत ठंड, सो कूल, बन गया ना सेंटेंस, इट वाज सो कूल। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, केले स्वादिष्ट थे। केले इसके लिए, केले के लिए क्या आएगा, देखिए केले, अब यहां पे केला नहीं आया, यहां पे आया केले, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल आया है ना, ये बहुवचन है, तो केले के लिए हम क्या लिखेंगे, बनानास, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या आता है, वर्ब, बनानास वर्ब। अब क्या रह गया, केवल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट रह गया, ऑब्जेक्ट क्या है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेस्टी, टी ए एस टी वाई, बनानाज वर टेस्टी, राइट। देखिए ये टेस्टी और टेस्टी दोनों में डिफरेंस है। टेस्ट का मतलब तो होता है किसी का एग्जाम लेना, जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट हम लोग जैसे रूटीन टेस्ट होते हैं, है ना, या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसको भी हम लोग टेस्ट बोलेंगे, लेकिन ये होता है टेस्ट, है ना, टेस्ट ऐसे बोला जाएगा, टेस्ट, टेस्ट नहीं, टेस्ट और टेस्ट में अंतर होता है, ये आप समझिए। जब भी स्वाद के लिए आएगा वो आएगा टेस्ट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, उस दिन सोमवार था। तो इसको हम लोग सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, उस दिन के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं, है ना, इट, इट के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, है ना, इट वाज, इट वाज
मंडे कब दैट डे है ना। और हम लोग इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखिए इसको एज इट इज ही बना सकते हैं, जैसे उस दिन को हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं दैट डे, है ना, दैट डे ले लिया, उस दिन दैट डे। अब दैट डे क्या है, सिंगुलर हो गया तो उसके साथ भी वाज ही आएगा, वाज क्या था उस दिन, सोमवार मंडे, है ना। तो इस सेंटेंस को हम लोगों ने दो तरीके से बना दिया यहां पे, इट वाज मंडे दैट डे और दैट डे वाज मंडे, दोनों सेम है, दोनों सही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अब देखिए नेक्स्ट है, वह बहुत गंदी थी, है ना। तो अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा है, थी लास्ट में आया तो इसका मतलब क्या है, किसके लिए यूज हुआ है ये, जो वह यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए यूज हुआ है। जब अपन को पता चलता है कि वह फीमेल के लिए यूज हुआ है तो हम लोग यहां पे वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, शी, राइट, ही शी इट के साथ क्या आता है, वाज, शी वाज। अब ऑब्जेक्ट क्या रह गया, ऑब्जेक्ट सिर्फ रह गया बहुत गंदी, शी वाज सो डर्टी, सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख दी, डी आई आर टी वाई। देखिए जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी ना, मैंने वोकैबुलरी के की प्लेलिस्ट अलग से डाली हुई है अपने यूट्यूब के चैनल में, आप एक एक करके वोकैबुलरी को आप पूरा तैयार कीजिए, सुनिए उसको दो से तीन बार सुनिए मुझे ना, जितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी आपकी उतने आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। जैसे अभी गंदी का अगर आपको अंग्रेजी पता नहीं होता तो ये सेंटेंस नहीं बना पाते, है ना। तो गंदी डंडी, गंदा डंडी, ठीक है, ऐसे ही स्वादिष्ट टेस्टी, है ना, बुद्धिमान इंटेलिजेंट। तो ये सारे के सारे शब्द और इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। अब देखिए हम लोग इसमें एक चीज साथ साथ ही कर लेते हैं यहां पे, अगर इन सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो तो अब देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, वह बुद्धिमान था, है ना, ये सेंटेंस है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, जहां जहां हमें नोट लगाना है, नहीं लगाना है, वहां मैं स्टार लगा देता हूं ना, वह बुद्धिमान नहीं था, पंखा चालू नहीं था, वह एक स्टूडेंट नहीं था, बहुत ठंड नहीं थी, केले स्वादिष्ट नहीं थे, उस दिन सोमवार नहीं था, वह बहुत गंदी नहीं थी, और देखिए स्टार का मतलब हो गया नहीं, जहां जहां हमने स्टार यूज किया है वो हो गया नहीं। अब देखिए हम लोग यहां पे नॉट कहां लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ही वाज नॉट इंटेलिजेंट, है ना, फैन वाज नॉट ऑन, ही वाज नॉट ए स्टूडेंट। देखिए ध्यान रखिए, नॉट ये ए स्टूडेंट है ना, पूरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले ए से पहले आएगा यहां पे नॉट। इट वाज नॉट सो कूल, इस अगेन यहां पे भी सो कूल जो है ना पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बनानास वर नॉट टेस्टी, नॉट टेस्टी, टेस्टी नहीं, इसको ध्यान रखना है टेस्टी, राइट। इट वाज नॉट मंडे दैट डे, मंडे दैट डे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस है, दैट डे वाज नॉट मंडे, यहां पे स्टार आ गया ना, यहां पे नॉट आएगा। अब शी वाज सो डर्ट, वो है वहां पे, वह बहुत गंदी नहीं थी, तो शी वाज नॉट सो डर्टी, ठीक है ना, सो से पहले आएगा। आई होप आपको एक एक सेंटेंस ही पूरा समझ में आ गया। ये सारे सेंटेंसेस आपको मिरर के सामने खड़े होके बोलने हैं अपनी आवाज में, है ना। तो देखिए पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के नेगेटिव बना के बोलने हैं, और आप परफेक्टली इनको बोलेंगे, बार बार इतनी जोर से बोलने हैं कि आप सुन भी सकें, जिससे वो आपके माइंड में जाके स्टोर हो सके, ठीक है। अब मैं इनके देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस आपको बना के दिखाता हूं। देखिए गाइस ये कुछ और सेंटेंसेस हम लोगों ने लिए हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के। पहला सेंटेंस है, प्रश्न बहुत कठिन था। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, प्रश्न, प्रश्न को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन,
है ना, क्वेश्चन सिंगुलर हो गया तो क्वेश्चन के साथ आएगा वाज। कठिन, बहुत कठिन था तो बहुत कठिन, बहुत का आ जाएगा वेरी कठिन, टफ टी ओ यू जी एच, ठीक है ना, क्वेश्चन वाज वेरी टफ। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज था, इसमें सब्जेक्ट हो गया धोनी, डी एच ओ एन आई धोनी, धोनी सिंगुलर है सिंगल है तो इसके लिए आएगा वाज, धोनी वाज एक अच्छा बल्लेबाज, ए गुड बैट्समैन, बैट्समैन आप समझते हैं ना, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं ऑलमोस्ट, और धोनी को कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट, हम बहुत खुश थे, तो देखिए इसमें हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, वी के साथ क्या आता है पास्ट में, वर, है ना, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये पूरा, बहुत खुश, वी वर वेरी हैप्पी, नेक्स्ट वे कमरे में थे, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे टी एच ई वाई दे, है ना, दे के साथ क्या आएगा, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ आता था वाज, है ना, प्लूरल है और दे के साथ आएगा वर, दे वर कहां थे, वे कमरे में थे, है ना, इन द रूम, नेक्स्ट कुत्ता भूखा था, द डॉग वाज सिंगुलर था का मतलब सिंगुलर एक वचन है ना, तो द डॉग वाज हंग्री, हंग्री माने भूखा होता है, पेन महंगा था, द पेन वाज महंगा, की महंगे की स्पेलिंग क्या होती है, महंगे की इंग्लिश क्या होती है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, देखिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी वही सेंटेंस बना पाएगा और वही कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो पाएगा। मैंने वोकैबुलरी के जो बिल्कुल रिफाइंड 5% वर्ड होते हैं ना पूरी डिक्शनरी के, जो रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज आते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, एक एक करके आप वोकैबुलरी को की हे हर वीडियो को, एक वीडियो को दिन में 3 बार सुने, ईयरफोन लगा के सुने और उसको मेमोराइज करें, तो आपकी पूरी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। नेक्स्ट, मैं उस समय मुंबई था, मैं की अंग्रेजी होती है आई, आई के साथ आ जाए वाज, है ना, मैं उस समय मुंबई था, आई वाज इन मुंबई दैट टाइम, उस समय के लिए आएगा दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पिता एक इंजीनियर थे, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ये पूरा है मेरे पिता, तो मेरे पिता की अंग्रेजी क्या होगी, माई फादर, माई फादर सिंगुलर है तो वाज, माई फादर वाज एक इंजीनियर, अब देखिए इंजीनियर से पहले एन आता है, एक के लिए एन आता है, ये मैं आपको आर्टिकल में सिखाऊंगा कहां पे ए आता है कहां पे एन आता है, माई फादर वाज एन इंजीनियर, ई एन जी आई एन डबल ई आर, राइट, तो देखिए ये पास्ट के पूरे सेंटेंसेस हो गए। अगर इनमें नेगेटिव आपको बनाना है तो ऑब्जेक्ट से पहले आप नोट लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले सेंटेंसेस में बताया उसी तरीके से आपको ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे। आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस मिरर के सामने खड़े होकर बोलने हैं, प्रैक्टिस करनी है और जोर जोर से बोलना है। कल मैं आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस बोल के बताऊंगा, जैसे मैंने आज वाली वीडियो में प्रेजेंट वाले बताए, कल मैं पास्ट वाले बताऊंगा, फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, प्रश्न कैसे पूछते हैं प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में, वो कल हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू।